Martin Luther King Jr. once said, "In the end, we will not remember the words of our enemies, but the silence of our friends." इस मौके की मुनासिबत से अगला भी पढ़ें, समझ नहीं आई, इसको जरा सिंक इन होने दें, अगला पढ़ता हूं. "Of the judge of high court can also be expressed through couplet of Akbar Allahabadi, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता." ये बाबर सत्तार साहब के साथ यही हो रहा ये जो हम आप भी करते हैं, उन्होंने मामूली सी बात की, एक शिकायत की आप लोगों ने, पता नहीं क्या, और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या बना दिया, कोई फॉर एंड अगेंस्ट, ये पार्टी क्यों बनते हैं बजाय इसके कि हमारी मदद करें, बजाय इसके कि हमें सजेशन दें. पार्टीज, हम पूरी कौन दो पार्टियों में तकसीम हो गई है, उसका तो मैं मतलब जो सारी चीज है उसका तो मैं प्रीवी हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, और मुझे एक एक चीज का मालूम है, और मुझे ये मालूम है कि ये सब का सब गलत है. नहीं नहीं, सब जो का एक सब भी बात की, मैं वो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ. आपको अर्लियर भी कहा था, ढाई घंटे की मीटिंग थी जुडिशियल एकेडमी, जुडिशियल कमीशन की, जिसमें माय लॉर्ड भी थे चीफ जस्टिस. इसमें हर चीज जो भी जिसको प्रोपगेट कर रहे हैं, और जो भी आपकी स्टेट ने उनके डेटाज निकाले बच्चों के, दे ऑल वर डिस्कस्ड बिकॉज दे वॉज सच ग्रेट ऑपोजिशन. ये हर दफा ये इंडिपेंडेंट जज होता है ना, उसके साथ ये होता है. Regrettably, zara now let's make something which may not be known. I'll want to provide you with the minutes of the judicial commission meeting that Justice Athar Milana sahab has also mentioned, and the सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना मेरे पास, ना मेरे ख्याल में हम में किसी के पास, ना इस कमरे में जितने मोतबिर वकला साहिबान हैं उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बना दें. ये एक सफ़र है, और इस पर हर शख्स क्या करता गया है और क्या कर सकता है. एक जजमेंट आप लिख दें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अगर नहीं होना चाहती है, और अगर होना चाहती है आप जो मर्जी कर लें, वो कोई उसको छू नहीं सकता है. तो ये एक, अगर हम एक सफ़र पे चल रहे हैं, जमहूरियत भी एक सफ़र है. कोई दुनिया में मुल्क ये नहीं कह सकता है कि हमारे यहाँ परफेक्ट जमहूरियत है, ना अमरीका ये कह सकता है, ना इंग्लिस्तान ये कह सकता है. ऐसे मुल्कों की मैं मिसाल दे रहा हूँ जहाँ के जमहूरियत कई सालों से है, दूसरे मुल्क कहेंगे वहाँ जमहूरियत नहीं है. हर जगह बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं. सिर्फ एक चीज़ को हम पकड़ लें और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बातें करें. अब आपको पता है कि जब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठ जो बना था आईन के तहत, पहले तो जुडिशियल कमीशन नहीं होता था, पहले चीफ जस्टिस, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनकी मशावरत से जजेस अपॉइंट होते थे. हमारे पास पेश की गई अटर्नी जनरल, आप नहीं थे, आप फिक्र ना करें, आप घबराएं नहीं. नहीं नहीं, मैं तो एक और कैपेसिटी में एक्चुअली एडवाइस कर रहा था, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या था. नहीं, उधर उनको कहा गया है कि जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये तो पैराग्राफ 7 पढ़ लें, और फिर ये मेरा नोट पढ़ लीजिए जो मैंने उस जो मैंने दिया था. ये अप्रैल 2020 की बात है, ये पैराग्राफ 7, ये नहीं, पैराग्राफ 7 ऑफ व्हाट, पैराग्राफ 7 मिल गया आपको? नहीं सर, वो आई था, ये मेरा ले लें, वो वाला ले लें. ये एक दफा नहीं, कई दफा मीटिंग्स में हुई थी ये बात. जी ऑनरेबल चेयरमैन, एंड इट वाज द चेयरमैन का नाम पढ़ लें और अटॉर्नी जनरल के, मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद, ही वाज द चीफ जस्टिस एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ द जेसी, एंड अटॉर्नी जनरल वाज मिस्टर खालिद जावेद खान. जी पढ़िए.
Honorable Chairman then invited views of other honorable members of the Commission. Attorney General for Pakistan informed that he wanted to share information from some intelligence reports regarding the candidates. The candidates are the judges, potential judges. As per standard intelligence practice, the identity of reporting officers is not disclosed on reports. These reports are unsigned but issued under institutional cover. Commission has already expressed reservations as to the manner of reporting in its meeting held on 6-4-2020 and 7-4-2020, which are not complied with strictly. Detailed discussion was held on the point and consensus was evolved that so long as a representative of the federal government, whether the law minister or the attorney general, take responsibility as to the credibility and veracity of such report, the same may be disclosed to the commission. However, the importance of weightage, if any, to be attached to such information shall be decided by the Commission in the light of the opinion expressed by the initiating Chief Justice, which shall have precedence. In-depth discussion was also held regarding different other aspects of the matter. Intelligence reports. मैंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी आर नॉट मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, देयर रिपोर्ट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। ये जजेस की अपॉइंटमेंट या एलिवेशन की बात हो रही है जी। सो दिस इज योर नोट एज मेंबर ऑफ द कमीशन, जेसी प्रोसीडिंग्स डेटेड 6th एंड 7th ऑफ अप्रैल। With regard to soliciting reports from the intelligence inter-services intelligence ISI, the Intelligence Bureau IB and Home Department on behalf of the Judicial Commission of Pakistan, the Commission, the question arises: is it permissible for intelligence agencies to probe those being considered for appointment without obtaining their prior consent? ISI and IB report to the federal government and the Home Department to the provincial government, whose representatives, the law ministers and attorney general, are members of the commission. If the governments have reservations, these can be conveyed to the commission by the said members of the commission after they fully apprise themselves of the facts. The other members of the commission will also then be able to seek clarifications and question the law minister and attorney general. Presently, this cannot be done. The one-page ISI, IB and Home Department reports regarding the gentlemen under consideration are on a plain printed page and inexplicably have no date, number, name, designation and signature of their respective authors. No one assumes responsibility and therefore no one can be questioned. The reports which have been received also lack substance. The basic skeletal information that is provided is the already... The point was that we put a stop to this. Yes. So there are people who are fighting for the independence of the judiciary, maybe quietly nobody knew about it. This practice has now stopped. क्यों कमजोरी किसकी थी? ये थी हमारी अपनी कमजोरी। जब हम खुद लोगों से रिपोर्टें मंगवाएंगे तो फिर हम उनका रोल उनको देंगे। देखिए, ये हम एक चीज को बस कह दें कि जी आप करना छोड़ दो भाई, कल को आपकी इंटेलिजेंस, भाई आप हमसे रिपोर्टें क्यों मंगवाते हैं, मत मंगवाए कर हमसे रिपोर्टें। ये हमने बंद कर दी, हमें किसी वकील के मुतालिक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट नहीं, हमें अपने जराए हैं, हम मालूम कर सकते हैं अगर हमें मालूम करना हो। हर वकील एक खुली किताब होता है, सबको पता होता है अच्छा है बुरा है कैसा है, दुनिया को पता है। हमें कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उसके लिए कोई रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा दोबारा और दोबारा लाई गई और इसको हमने हर दफा, मैंने इसको स्ट्रॉन्गली अपोज किया है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग मॉनिटरिंग जजेस, आई इन माय ओपिनियन दैट इज ऑल्सो वी आर मेकिंग जे आई टीज, वी आर रिलाइंग अपॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज। व्हाई आर वी डूइंग दिस व्हेन यू नो दिस इज वेरी स्ट्रेंज? यू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ वर्क एंड देन यू फ्राउन अपॉन if they are doing things which they shouldn't. Therefore, a law is the paramount importance, that there must be a law. If we have to give a report, then we should have a written order communicating that do this, which the Constitution does not envisage. I'm just speaking hypothetically. तो ये देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये लोगों को पता नहीं है और बस और वो लोग जो उस दिन किस जगह खड़े थे आज कहाँ खड़े हैं। अगर कुछ बातों में अमल उजात हो गया होता आज नहीं होता, क्योंकि आज आप उसका बेनिफिशियरी, कल आप उससे उसी बात का आपको नुकसान होगा। That's right. तो ये जो छोटे छोटे ज़ाती मफादात होते हैं ना, आज और कल के, मुल्क के मफादात नहीं देखते हैं और लोगों के मफादात,
और मेरे हमारे साथी ने जो बड़ी अच्छी बात की, और ये आम केस में नहीं होता, ये खास किस्म के केसेस में अगर बात होती भी है। अब ये दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स।